कन्नौज में पुलिस की स्वाट टीम को दो बड़ी सफलता मिली। टीम ने एक साल से फरार दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम था। पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता 25,000 के आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी पर मिली। यह बदमाश एक माह पहले हुई बैटरी भरे ट्रक लूट में शामिल था। कन्नौज पुलिस की स्वाट टीम की पकड़ में आए यह दोनों साथी सुधीर साक्य और सुभर सिंह है। सुधीर कन्नौज में एक माह पहले हुआ बैटरी भरे ट्रक लूट कांड में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी पर कन्नौज पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। दूसरा इनामी कन्नौज के गुरह सरायगंज कोतवाली के सूफीपुर जप्ती गांव का सुघर सिंह है। यह दहेज के लिए अपनी पत्नी को मारकर फरार था। इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। कन्नौज स्वाट टीम ने दोनों इनामियों को मुखबिर की सूचना पर दबोचा। अपराधी वांछित चल रहे हैं, उनका विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक डकैती का एक मुकदमा था, उसमें वांछित था सुधीर साक्य के नाम, उसमें 25,000 रुपए का जो है वो रिवार्ड था। कल इसकी गिरफ्तारी की गई है, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा अभियुक्त सुघर सिंह ने एक दहेज के मुकदमे में वांछित था दहेज हत्या में, और इसको 10,000 रुपए का, इसको भी कल रात में गिरफ्तार किया गया है। आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।